Welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about please don't take risk. Generally, please don't take risk. क्यों कि रीजन क्या है सर वीडियो बनाने तो पहले बता दो ऐसे बोल रहा हूँ प्लीज डोंट टेक रेस्ट दैट्स ट्रू आई रियली डोंट वांट यू टू टेक रेस्ट यार पेपर दे चुके हैं हम लोग बीएड के पेपर हो चुके हैं आप लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं पेपर के बाद अच्छी प्रिपरेशन के बाद पेपर हो चुके हैं और अच्छे पेपर हो चुके हैं और अब थोड़ी सांस ले रहे हो आप यार प्लीज सांस मत लो बुक्स उठाओ और प्रिपरेशन करनी शुरू करो सर अब क्या करना है व्हाई देयर इज अ नीड टू वर्क आउट अगेन ये क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए सबसे पहले तो पहले के लिए करता हूँ जो बच्चे अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनके लिए एक चीज लिए करता हूँ यार खाली बीएड से कुछ नहीं होने वाला हम सब बीएड तो करें लेकिन क्या सीटेट की प्रिपरेशन शुरू की आपने हैव यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन सीटेट सर ये क्या चीज है कहीं को तो पता ही नहीं सीटेट एक्चुअली है क्या यार दैट इज द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट I repeat my word, the Central Teacher Eligibility Test और ये आपको करना है by hook और by crook. You have to do this. क्योंकि अब ये compulsory है पहले सिर्फ ये government school के लिए था लेकिन आज कोई भी private institution भी बिना CTET के आपको teacher की job नहीं देता वो आपसे पहले मांगते हैं कि क्या CTET किया हुआ है आपने हाँ ये CTET एक plus point का काम करता है किसी भी teacher की job के लिए हाँ whereas if you really want to have a government job कि आप कहते हो कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एक टीचर की जॉब मिले तो यू हैव टू वर्क आउट सीटेट करना ही पड़ेगा कोई और ऑप्शन नहीं है यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन आपने कहा सर सीटेट क्यों टॉपिक है बीएड एंड सीटेट क्या बीएड के स्टूडेंट को सीटेट करनी जरूरी है या दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट जी हाँ आपको सीटेट करनी है इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू सीटेट सर इसके बेनिफिट क्या हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बताती है सीटेट करना जरूरी है सर रियली आप प्लीज बताओ थोड़ा नरेट करो तो कुछ तीन चार पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो बहुत मैटर करते हैं द फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए रियली इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट टीचर जॉब तो आपको सीटेट करना कंपल्सरी है बाय द गाइडलाइन ऑफ CBSE CBSE ने क्लियर कर दिया कि जो बंदा सीटेट क्लियर नहीं है उसको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी टीचर की तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए तो बॉस यू हैव टू वर्क आउट सीटेट सीटेट तो करना ही पड़ेगा थ्रू आउट इंडिया कहीं भी हो आप आपको सीटेट करना पड़ेगा और आप अगर फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुके हैं तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अप नाउ जी हाँ गाइडलाइंस आ चुकी हैं फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे कुछ डिले हुआ है थोड़ी वजह से लेकिन जल्दी वो फॉर्म ऑनलाइन पे आ जाएगा आपको फॉर्म भरने होंगे एंड यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो अभी शुरू करो डोंट वेट फॉर द टाइम जी हाँ मेरी वीडियो देखिए उसमें सीटेट की सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हाउ टू स्टार्ट स्टडी उसकी प्रिपरेशन की वीडियोस भी जल्दी आने शुरू हो जाएंगी जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं दे विल गोइंग टू गेट द वीडियोस जिन्होंने नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को वीडियोस मिले और आप आराम से प्रिपरेशन शुरू कर पाए अभी बात बी एड और सीटेट की थी तो हमने पहला पॉइंट बोला अगर हम सीटेट नहीं करते तो गवर्नमेंट जॉब अगर मैं बोलूं टीचिंग गवर्नमेंट जॉब तो बॉस भूल जाओ ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ना ही स्टेट गवर्नमेंट की एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई लेट्स स्टार्ट ऑन द सर्टेन पॉइंट द फर्स्ट हाफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब बाय द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई Second one, after this you can apply for the central government job, that's true. The KVS, जी KVS केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं और सर जो हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस स्कूल्स हैं आर्मी स्कूल्स हो गए उनमें भी सीटेट चाहिए अगर आपको टीचर बनना है Then, can apply all the state government teaching job? जी आप हर टीचिंग जॉब के लिए जाएंगे तो आप सीटेट के बाद ही जाएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल चल रहे हैं उन सब ने भी पहले रिक्वेस्ट आई कर दी है अगर आप क्लासिफाइड पढ़ते हैं टीचर की जॉब के लिए आते हैं वहां लिखा होता है स्पेसिफाई प्लीज जिन्होंने सीटेट किया हो वही अप्लाई करें तो ये प्लस पॉइंट है यार प्लीज डोंट तो ये करना जरूरी है देन इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है कितने नंबर आएंगे तो हम सीटेट क्लियर कर पाएंगे दिमाग में भी आता है सर आपने बोलते थे कि सीटेट करना है हम कर लेंगे सर सीटेट का कोर्स क्या है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है उसको देखो यार पूरा कोर्स बताया सीटेट के दो पेपर होते हैं दो पैटर्न है पेपर वन एंड पेपर टू अगर टीजीटी के जा रहे हो तो गो फॉर पेपर वन
सच एज पीआरटी और टीजीडी के लिए जाने हैं। अगर आप पीजीडी के लिए जा रहे हैं तो गो फॉर पेपर टू, उसमें डिफाइन किया कि क्लास फर्स्ट से लेकर सिक्स और क्लास सिक्स से एट तक, ये क्राइटेरिया उनका है। लेकिन मैंने आपको इन रियल टाइम बता दिया, अगर पीआरटी या टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव सीटेट पेपर वन, और अगर आप पेपर टू के लिए जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव पेपर टू जो कि क्लास सिक्स से एट तक होगा। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा, कितने नंबर चाहिए, कम से कम कितने नंबर चाहिए कि हम उसको क्वालिफाई कर पाए, दैट इज 60%, जनरली दैट इज 60%। हाँ, क्या कंसेशन मिलती है, एस सी एस टी ओ बी सी को कंसेशन है, इज देयर एनी कंसेशन, वो दीज गाइस, हाँ वो कंसीडर करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के नाम से, गवर्नमेंट क्या कंसीडर करती है, दैट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट ओनली। एंड देन क्या सर इजी है सीटेट करना, इजी है, आराम से क्लियर हो जाता है, तो मैं पहले बता देता हूँ, इसका पासिंग रेट 2-2, जनरली इसका पासिंग रेट 2-14% है। आपने कहा सर क्वालिफिकेशन रेट ऑफ सीटेट इज जस्ट 2-14%, तो इट्स नॉट क्वाइट इजी टू क्रैक सीटेट, मेहनत करनी पड़ती है, जेनली मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप मेहनत जेनुअन वे में करेंगे, इन अ राइट डायरेक्शन करेंगे, यू बी एबल टू क्लियर द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये चीजें दिमाग में रखनी है। आपने कहा सर बीएड कर लिया, पहले बीएड का इश्यू था कि बीएड करना है, कई सारी चीज लगी, अब बीएड के साथ ही सीटेट अलग चीज आ गई है कि सीटेट भी करना है। जी हाँ, सीटेट करना जरूरी है, मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, सीटेट इज एज इंपॉर्टेंट एज बीएड नाउडेज फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड टीचर। एक टीचर जो पूरी तरह से कह रहा है कि मैं टीचर हूँ, तो उसमें सारी चीजें सारे नॉर्म्स तो चाहिए, रियली ही नीड टू बी द टीचर, तो वहां पे सीटेट करना, सीटेट के बेसिक प्रोविजन क्या होंगे, उन चीजों को समझना, एंड वट आर द बेसिक टर्म्स दैट वी रियली नीड टू वर्क इट आउट, यहाँ डिस्कस करना है। अब बीएड के बाद बहुत सारे ऑप्शन आता है हमारे पास कि हमें बीएड कर लिया, अब हम ये करेंगे, हमने ये करना है, ये चीज होंगी, सब्जेक्ट लिस्ट, दैट्स ट्रू, सब्जेक्ट आप उसमें स्पेशलाइज्ड है, चलता है, आपने उसने मास्टर्स की हुई है, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट यू रियली नीड टू हैव योर सीटेट क्लियर। आप सीटेट भी क्लियर करेंगे क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट का काम करता है, एंड दैट प्लस पॉइंट सर्व्स यू। अब अगर इस वीडियो को देखने से किसी तरह की कोई हेल्प हुई है और आपको लगता है हाँ दिस वीडियो इज रियली क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद अदर पीपल, एंड रिमेंबर द मोर यू शेयर द मोर पीपल आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। बाकी तो हम वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए, तब तक प्लीज अब मत छोड़ो यार, अब पढ़ना शुरू कर दो दोबारा, हो गया रेस्ट, नाउ स्टार्ट अगेन, एंड दिस टाइम फॉर सीटेट, एंड आई रियली नो दैट यू ऑल आर गोइंग टू क्रैक द सीटेट एट द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बाय गाइस।